नमस्कार, कक्षा 8 एक्सरसाइज 3.3 प्रश्न 2। हमें इसमें एक्स, वाई और जेड ये तीन कोणों का माप ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि यह 50 डिग्री का कोण है, तो ये रेखा और यह रेखा एक दूसरे के समांतर हैं और यह है एक तिर्यक रेखा। तो हमें पता है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का, अंदर वाले कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। इसका मतलब है x प्लस 50 डिग्री, यह बराबर होगा 180 डिग्री के। जो भी आप बच्चों कारण चीज़ लिखते हैं, उसका कारण आपको ज़रूर बताना होगा। तो हम यहाँ कारण लिखेंगे, तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण इनका जोड़ 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 180 डिग्री, 50 डिग्री x के साथ प्लस हो रहा है, जब 50 डिग्री बराबर से उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस। इसका अर्थ है x बराबर 180 डिग्री में से 50 डिग्री माइनस कर दो तो हमें प्राप्त होगा 130 डिग्री। इससे हमें x का मान पता चल गया है, 130 डिग्री है। अब हम आगे इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिए, यह x है, यह y, ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण, आमने सामने वाले कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसका मतलब है y बराबर होगा x के, यह y x के बराबर होगा क्योंकि यह सम्मुख कोण है। तो यही इसका कारण हमने साथ में बताना है कि हमने ऐसा क्यों लिया। तो हम लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण इसका अर्थ क्या हुआ कि y किसके बराबर आ गया, x के, और x अभी हमने कितना निकाला है, 130 डिग्री निकाला। ये देखिए, हमने x अभी 130 डिग्री निकाला था, तो इसका अर्थ है x आ जाएगा एक, y आ जाएगा 130 डिग्री, क्योंकि x भी 130 डिग्री के बराबर था। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये कोण है z, लेकिन ये समांतर चतुर्भुज के बाहर वाला कोण है। तो बाहर वाला कोण पता करने के लिए हमें पहले यह अंदर वाला कोण पता करना पड़ेगा। इसको मैं मान लेता हूं W। अब आप देखिए ध्यान से, W और 50, समांतर चतुर्भुज में W और 50 ये कैसे कोण है, आमने सामने वाले कोण है, यानी सम्मुख कोण है, और समांतर चतुर्भुज में ये सम्मुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इसका अर्थ है हम यहां लिख सकते हैं W बराबर 50 डिग्री, क्यों, सम्मुख कोण किसके सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए, हमने x निकाला है 130 डिग्री, y भी निकाल दिया है 130 डिग्री, हमें w नहीं निकालना, हमें निकालना है z। इसके लिए देखिए, यह एक सीधी रेखा है, इस पर इस प्रकार से एक कोण बना हुआ है, मैं इस कोण की बात कर रहा हूँ, यह सीधी रेखा और ये कोण। तो ये कोण और ये कोण, ये टोटल कोण कितना होना चाहिए, सीधी रेखा पर ये कोण कितना होना चाहिए, 180 डिग्री है ना। और ये दोनों कोण कैसे कोण है, ये रैखिक युग्म है, आपने इनके बारे में पहले भी पढ़ा है। ये सीधी रेखा पर टोटल कोण 180 डिग्री का होता है, और ये कोण और ये कोण ये मिलकर बनाते हैं रैखिक युग्म। तो इन दोनों कोणों का जोड़ 180 होगा, इसका मतलब W और Z, W प्लस Z इनका जोड़ 180 डिग्री होगा, और इसे हम गणित की भाषा में कहते हैं रैखिक युग्म। क्या कहते हैं बच्चों, रैखिक युग्म कहते हैं। ठीक है, यहां से आप देखिए कि W तो हमारे पास 50 डिग्री आ गया था, तो हम W की जगह लिख देंगे 50 डिग्री,
प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। यहाँ से जेड कितना आ गया 180 डिग्री, 50 डिग्री यहाँ जेड के साथ प्लस हो रहा है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से जेड कितना आ गया 180 में से 50 माइनस कर दो तो हमें प्राप्त होगा 130 डिग्री। इसका मतलब हमने Z निकालना था तो Z हमारे पास आया है 130 डिग्री। तो देखिए इस प्रश्न में हमने तीन चीज़ें निकालनी थी, X, Y और Z। सबसे पहले हमने देखा X और 50 डिग्री ये दोनों तिर्यक रेखा के एक और के अंतः कोण है, इनका जोड़ 180 डिग्री होता है क्योंकि यह एक समांतर चतुर्भुज है। तो x प्लस 50 180 डिग्री के बराबर है तो x किसके बराबर आ गया 180 में से 50 को माइनस कर दिया जो कि आया 130 डिग्री। इसका अर्थ है यह x हो गया 130 डिग्री के बराबर। इसके बाद y जो है यह x के बराबर है, क्यों बराबर है क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है इसलिए y x के बराबर होगा तो y भी 130 आ गया क्योंकि x 130 आया था। इसके बाद हमने इस कोण को w लिया तो 50 डिग्री और w डिग्री बराबर होंगे क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है तो w 50 आ गया। फिर w और z आपस में रैखिक युग्म बनाते हैं जहां से w है 50 डिग्री, 50 डिग्री प्लस z बराबर 180 डिग्री तो Z हो जाएगा 180 डिग्री, 50 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो हमारे पास Z आ गया 130 डिग्री। यदि आप इसको देखना चाहें तो यह रेखा और यह रेखा समांतर है और यह बीच में तिर्यक रेखा है तो ये एकांतर अंतः कोण भी बनते हैं और एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं तो Y Z के बराबर होगा। देखो Y आया था 130, Z भी आया था 130 तो यदि आप चाहें तो इसको एकांतर अंतः कोण से भी बराबर सिद्ध कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर बाकी वीडियोस को देखिए। धन्यवाद।